नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई है, निर्मम हत्या जिस तरीके से की गई है, उसकी जो दोषी है, उसका जो अपराधी है, उसको सजा दिलाने के लिए ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। जिस तरीके से आप बैनर पर भी देख सकते हैं, लव जिहाद के खिलाफ जो है ये लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और क्या ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं। जय श्री राम जी। दिनेश ठाकुर, संस्थापक अध्यक्ष, भारत माता वाहिनी। देखिए, हमने अभी 4-5 दिन पहले गुड़गांव में भी जो एक हिंदू बेटी की लव जिहाद में हत्या हुई है, छतरपुर दिल्ली में, जिसके उसके लव जिहादी ने उसकी हत्या की है, उसके 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंका है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश में दंगे भड़काने के लिए। और जितनी भी हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उनको झूठ बोलकर फ्रेम करके अपने जाल में फंसाया जाता है। इसलिए ये हो रहा है कि हिंदू धर्म को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। सनातन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। लेकिन हम इनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। देश में लव जिहाद के ऊपर जागरूकता लाने की जरूरत है। हिंदू बहन बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर जागरूकता लाने की जरूरत है। सोच समझ के आगे बढ़ें। दोस्त कौन हो, मित्र कौन हो, भाई कैसा हो, कॉलेजों में भाई भी बनते हैं, ये भाई बन के भी अपने लव जिहाद के चक्कर में फंसा ले जाते हैं। उसको झूठ बोल के बुला लेते हैं, ब्लड टेस्ट करने के बहाने, किसी पार्टी के बहाने, नशीली चीज़ खिला के रेप होता है, वीडियो बनती है, बेटी फंस जाती, फिर वो निकल नहीं पाती। इसी तरह से लव जिहाद चलता है। जो लव जिहाद करता है, हिंदू बेटियों को फंसाता है, उसको 5 लाख से 10 लाख रुपए मिलते हैं, गाड़ी भी मिलती है, जमीन भी मिलती है। ऐसे केस हमारे पास है, आगे इनका भेद खोलेंगे हम। तो सर ये बताइए, आज आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं जी माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को, जिसने श्रद्धा की हत्या की है, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी पे चढ़ाया जाए। फांसी पे ही क्यों, दिल्ली पुलिस के हाथ में है, वो मान चुका है उसने हत्या की है। और आपको क्या सबूत चाहिए? दिल्ली पुलिस उसका एनकाउंटर करे। दिल्ली में एक लव जिहादी का 2 दिन पहले योगी बाबा ने एनकाउंटर करवाया है, तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जब तक ऐसे लव जिहादी आतंकवादियों को सख्त सजा तुरंत प्रभाव से नहीं दी जाएगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। गजबा हिंद के तहत ही चलता लव जिहाद, धर्मांतरण, मतांतरण, गोक्षी, गो हत्याएं। जी मैं हिंदी बहन बेटे को कहना चाहता हूँ, आप पश्चिमी सभ्यता को ना पकड़ें। लिव इन रिलेशनशिप हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति की सभ्यता नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा 10-20 साल पहले भी, तो हमारी जो माताएं हैं, हमारी बुआ हैं, दादी हैं, उनके रिश्ते ही हमारे नाई ब्राह्मण कराते थे, उनके घर आज भी बसे हुए हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप पश्चिम की सभ्यता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता है। वहाँ 18 साल के बाद अंग्रेज कह देते हैं कि आप इकट्ठा रहिए, आपकी विचार मिलेंगे, आप शादी करिए वरना मत करिए। देखिए, भारत के संस्कार कर पश्चिम के संस्कार का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। पश्चिम में नहीं पता है कि इसका बाप पहला है या 20वां है या 50वां है। ये भारत की संस्कृति है कि ये पता होता है कि मैं किसका खून हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा परदादा कौन है। सारी पीढ़ियों का लेखा जोखा हमारा भारतीय संस्कृति में मिलता है। पश्चिम में तो DNA चेक कराने पड़ते हैं कि इसका बाप कौन है। ये गजवा हिंदवाड़े भी सुन ले, इनको नहीं पता, इनके जहाँ 40-40 संतान पैदा हो रही है कि वो दादा जान की औलाद है, अब्बू जान की औलाद है, खाला जान की औलाद है, मौसा जान की औलाद है या फूफा जान की औलाद है। ये सनातन हिंदू धर्म पे कुठाराघात करना बंद कर दे। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बगैर देर किए आप सिविल कोड लागू कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण लागू कीजिए अगर देश को बचाना है, वरना ये जनसंख्या विस्फोट होगी और 1947 फिर दोहराया जाएगा। तैयारी हमारी भी पूरी है, तैयारी उनकी भी पूरी है। जैसा कि कुछ प्रदेशों में जनसंख्या कानून तो लागू हो चुके हैं,
कुछ प्रदेशों में तो जनसंख्या कानून तो लागू हो चुके हैं, जैसे यूपी है, आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड है, यहाँ सब तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण लागू प्रदेशों में हो रहा है, सरकारें कर भी रही हैं, लेकिन ये लोग कहाँ मान रहे हैं? इनकी तो हर रोज वीडियो आ रही है, अल्लाह मियाँ की देन है, अल्लाह मियाँ की देन है, तो फिर घर घर बैठे भोजन क्यों नहीं करते? चोरी डाके क्यों मारते हो? गोक्सी को हत्या क्यों करते हो? क्राइम में 95% क्रिमिनल कौन है? आप आंकड़े उठाइए, 95% कितने हिंदुओं ने? मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। मैं इस मोदी सरकार के बाद से कह रहा हूं, पहले के आंकड़े नहीं उठा रहा। कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमानों की हत्या की है मुझे बताइए, आप आंकड़े उठाइए। अंक ताहिर हुसैन ने किसको मरवाया था? आईबी अफसर। 160 हिंदू बहन बेटियां अब भी लापता हैं, मेरी बात सुनिए बहन ताई, 160 हिंदू बहन बेटियां अब भी लापता हैं दिल्ली से। सुल्तानपुरी में रिंकू शर्मा को किसने मारा था घर में घुसकर? आर के पुरम में हिंदू परिवार पर घर घुसकर किसने किया था हमला? ये सिर्फ दंगे भड़काने के लिए विदेशों से पैसा खा के काम कर रहे हैं, इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत माँ की सौगंध हमने कही है, सनातन हिंदू संस्कार संस्कृति को, सभ्यता को, संत और संन्यास परंपरा को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं और करेंगे। एक आखिरी सवाल ये रहा जी, जैसा कि ये सुनने में आया कि जो भी श्रद्धा थी है ये दलित, देखिए, और आज भी किसी देखिए जो की मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए सुनिए, ये बताइए कि आज तक दलित ने कोई भी दलित की एक भी एंगल से किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरी बात सुनिए, जो इस देश के अंदर जाति बिरादरी का कार्ड खेलते हैं या राजनीति करते हैं ये उनका विषय है। मेरे लिए भारत में पैदा हुई है या भारत में जो पैदा हुआ है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे भाई बहन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन जो सनातन हिंदू धर्म पर कुठाराघात करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये उनसे पूछिए भीम आर्मी वालों से, वो दलित दलित करते घूम रहे हैं, रावण उसने अपना नाम रखा, मुस्लिम है वो, हिंदू बना हुआ घूम रहा है। जरा आए दिल्ली इस बार, जंतर मंतर जवाब देंगे उसको, उसे बताएंगे दिनेश ठाकुर क्या कर सकता है। देश को तोड़ने के लिए बहुत से संगठन बन गए, हिंदू संगठन भी बन गए जो पैसे खा के काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई की तरफ कोई नहीं जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार नहीं हो रहा है? एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है और ये कह देते हैं फोन में 3 तलाक, जीवन बर्बाद कर दिया उसका, दोबारा वापसी जब होगी जब उसके साथ उसका अबू हलाला करेगा, क्या हिंदू धर्म की संस्कृति है क्या, या सभ्यता है क्या? हाँ है, हो रहा है। जय हिंद, मेरा नाम गुरिंदर जी सिंह है, मैं गुड़गांव से समाज सेवी हूँ। सर, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लव जिहाद इसे मैं तमाम लोगों को, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है भी जो श्रद्धा का हत्यारा है जिसने एक लड़की के 35 टुकड़े किए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए ताकि आगे कोई भी किसी भी धर्म का हो या किसी भी मजहब का ना हो या किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, वो ऐसी हरकत किसी भी बहू बेटी के साथ ना कर सके, चाहे वो बहू बेटी किसी भी धर्म की हो। इसका जिम्मेदार मेनली जो है वो जो हमारी मॉडर्न कल्चर हम ले रहे हैं, अपना रहे हैं, उसको मैं मानता हूँ। क्योंकि क्या है, जब सबसे बड़ा जो दोषी मान ले, अगर मैं खुद पेरेंट्स हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानूंगा, क्योंकि अगर मैं संस्कार ऐसे दूंगा तो ही वो आगे होंगे। अगर हम मॉडर्नाइजेशन में जाएंगे तो उनमें क्या होता है, वो ओपनली होता है। तो यहाँ पे ये हम शो कर रहे हैं कि लिविंग रिलेशन की होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा, पेरेंट्स को कोई भी धर्म के हो, उनको अपने धर्म में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, अपनी संस्कृति सिखानी चाहिए, ताकि आगे वो अपने ही धर्म के लोगों को अपना सके और उनके साथ रह सके। लेकिन यहाँ पे जो किस्सा चल रहा है, यहाँ पे ये भी सुनने में आया था, तो जो पेरेंट्स हैं वो भी सेपरेट रह रहे हैं। तो मेरी यही मांग है भी ऐसा कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी भी धर्म से हो रिलेटेड, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा ना हो, ये एक किस्सा पहले भी केस आया था 1999 में, तो वो वहाँ पे हिंदू पति पत्नी थे, तो उसने 72 टुकड़े किए थे, तो वो उस वो आज भी जेल काट के जिंदा है। तो ऐसा ही मेरे को लग रहा है, ये भी ये ट्रायल जो ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसको फांसी की सज़ा के बिना उसकी रेफरेंस देके उसको
जैसे बचाने का काम करें। मेरा यही गुहार है, सरकार से भी हमारी यही मांग है भी कोई भी अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है उसको सरेआम सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति ये जरूरत ना कर सके, किसी भी बहू बेटी के ऊपर अपनी गंदी नज़र ना डाल सके और ऐसा घिनौना अपराध ना कर सके। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। अगर सभी धर्म गुरु इसको मानते हैं भी ऐसे घिनौने अपराध का कोई धर्म नहीं है और ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, इस बंदे का बहिष्कार करके वो धर्म गुरु ही खुद बताएं भी ऐसे बंदे को, घिनौने बंदे को क्या सजा दी जाए। नहीं नहीं, मैंने ये बोला है ये हर कम्युनिटी में हो सकते हैं, हर उसमें हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे बंदों को सजा देनी, एक सजा देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जय हिंद।